आज इस वीडियो में हम ये स्टेप सीखेंगे। 5, 6, 7, 8 हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गुरजीत सिंह एंड इस वीडियो में मैं आपको 3 डांस स्टेप सिखाने वाला हूं। और उसको करने से पहले हम एक एक्सरसाइज करेंगे, एक चेस्ट एक्सरसाइज एंड एक शोल्डर एक्सरसाइज, जिससे हमारे जो डांस स्टेप क्लीन एंड शार्प हो जाएं। तो आपको ये एक्सरसाइज रोज करनी है डांस करने से पहले, ताकि आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होनी स्टार्ट हो जाए, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम चेस्ट मूवमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हाथ कमर पे रखेंगे, देन आपने चेस्ट को अपसाइड स्ट्रेच करना है, देन डाउन स्ट्रेच करना है, देन अप, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप, देन डाउन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और मैं आपको साइड पोजीशन में भी दिखाता हूं। सो 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये होगी हमारी चेस्ट मूवमेंट, ये हमारी डांस स्टेप में यूज होगी हमारी, ठीक है। इससे हमारी फ्लेक्सिबल और बॉडी मूवमेंट फ्लेक्सिबल हो जाएगी और चेस्ट हमारी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ताकि डांस स्टेप्स और क्लीन और शार्प दिखें। सो सेकंड एक्सरसाइज में आपने हैंड स्ट्रेट कर लेने हैं, देन अपने शोल्डर को अप करना है, देन चेस्ट को स्ट्रेच करना है और बॉडी रिलैक्स कर देनी है, देन अप, स्ट्रेच एंड रिलैक्स, अप, स्ट्रेच एंड रिलैक्स, अप, स्ट्रेच एंड रिलैक्स। तो इसको बार बार करते रहना है, अप, स्ट्रेच, रिलैक्स, अप, स्ट्रेच, रिलैक्स, अप, स्ट्रेच, रिलैक्स। सो ये 2 एक्सरसाइज आपने डेली रूटीन में करनी है, ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल वे में आनी स्टार्ट हो जाए, राइट? सो डांस स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट डांस स्टेप में हम पहले लेग मूवमेंट करेंगे, देन हैंड मूवमेंट, देन बोथ। तो फर्स्टली लेग मूवमेंट कैसे करनी है? सो राइट साइड पे आपने थोड़ा सा टर्न हो जाना है। तो सबसे पहले करना है आपने लेग्स को बाहर को खोलना है, मींस 1, 2, देन लेफ्ट को टर्न होना है, देन 3, 4, राइट? सो एक बार दोबारा करते हैं, 1, 2, 3, 4। देन इसके बाद हमने ये लेग को अप को मूव करना है, मीन्स 1, राइट? सो इस राइट लेग को हमने अप को मूव करना है 1, और बॉडी पीछे को जानी चाहिए इसके बाद, मतलब 1, समझ आया? इसको दोबारा करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या था, 1, 2, 3, 4 एंड लेग अप करनी है और बॉडी पीछे करनी है। सो 5, 6 देन वही सेम लेफ्ट हैंड साइड, 7, 8। सो लेग मूवमेंट द्वारा करें फिर। सो रेडी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये थी हमारी लेग मूवमेंट। देन हैंड मूवमेंट कैसे करें? तो हैंड मूवमेंट सिंपल हमारी, तो आपने ऐसे हैंड रख लेना है, देन 1, 2, 3, 4। ये हमारे जब लेग खुलेंगे ना तो हैंड भी खुलेंगे, इसके बाद जब लेग खुलेंगे तो हैंड भी खुलेंगे, राइट? तो जब ये स्टेप था तो उस पर कैसे करना है, आपने हैंड बंद कर लेने और करना है 1, स्ट्रेट कर लेने और देन ऐसे, देन अगेन स्ट्रेट, देन ऐसे, ठीक है? सो एक बार मैं करके दिखाता हूं, स्लो में दोनों करूंगा, राइट? सो हैंड ऐसे, 1, 2, 3,
एंड वन फाइव सिक्स सेवन एट, राइट। तो इसको काउंट पे करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा म्यूजिक पे स्टार्ट करते हैं, फाइव सिक्स सेवन एट। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप, तो उसके लिए सेम, पहले लेग मूवमेंट, देन हैंड मूवमेंट, देन बोथ। सो फर्स्टली लेग मूवमेंट, जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या था वही सेम लेग मूवमेंट है, बस थोड़ी सी चेंजेस है इसमें, ठीक है। वही वन राइट साइड को, राइट, वन टू थ्री एंड फोर। इसमें ये अभी चेंजेस है, राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। मैं दोबारा करके दिखाता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, राइट। इसको दोबारा करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अगेन इस पे अब करना है लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। सो आया समझ? सो दोबारा हम फिर लेग मूवमेंट शुरू से लेके लास्ट तक, रेडी ऑन लेग मूवमेंट। सो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, राइट। सो हैंड मूवमेंट कैसे करनी है आपने? सो फर्स्टली लेफ्ट हैंड स्ट्रेट एंड राइट हैंड बेंड। तो जब आपने अब इसको करना है बाहर को मूव करना है, सो मतलब वन अब दूसरी साइड, अब राइट स्ट्रेट लेफ्ट बेंड, टू देन अब लेफ्ट स्ट्रेट राइट बेंड, थ्री एंड फोर। दोबारा करते हम लेफ्ट स्ट्रेट राइट बेंड, वन टू थ्री एंड फोर। मैं शफल करते रहना है, अगर हमने वन पे लेफ्ट को स्ट्रेट किया राइट को बेंड किया, तो दूसरे पे राइट को स्ट्रेट करके लेफ्ट को बेंड कर देना है, राइट। मीन्स वन टू थ्री फोर, देन वन टू थ्री फोर, तो दूसरे में रिवर्स हो जाएगा। सो मैं स्लो करके दिखाता हूं, मैं वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। तो सबसे पहले मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी चेस्ट मूवमेंट की, वन एंड टू। तो ये एक्सरसाइज अब डांस में इंक्लूड होगी। तो कैसे, जैसे हमने अब किया था ये वाला, सो अब देखना अभी चेस्ट की मूवमेंट भी साथ साथ आपने करनी है। कैसे? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो ये भी चेस्ट की भी मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जानी है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो ये चीज चलती रहेगी, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये एक्सरसाइज के बारे में बताया था। तो ये इसमें इंक्लूड हुई है, राइट। सो ये थोड़ा सा फास्ट स्टेप है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब इसको म्यूजिक पे करते हैं, फाइव सिक्स सेवन एट। तो अब करते हैं थर्ड स्टेप, तो उससे फिर हम स्पेशली लेग मूवमेंट करेंगे। तो उससे पहले क्या करना है, राइट वाले को किक करना है और क्रॉस करके लेफ्ट वाले को स्ट्रेट कर देना, राइट। तो जब स्ट्रेट करेंगे हमारी बॉडी थोड़ी सी राइट की तरफ मूव करेगी, राइट। एक बार फिर से करते हैं, किक क्रॉस स्ट्रेट,
देन जो भी स्ट्रेट की है उसको किक क्रॉस स्ट्रेट, राइट। सो अब करते हैं हैंड मूवमेंट्स। सबसे पहले आपने इस हैंड को इस वे में रख लेना है, मीन्स एक हैंड के ऊपर दूसरा हैंड। तो इसको पहले करना है पुश, देन नीचे से स्विंग करेंगे, देन पुश देन स्विंग, पुश देन स्विंग, नीचे से स्विंग करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दोनों को अब इकट्ठा करके दिखाता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। जो अब हम म्यूजिक पे करते हैं 5 6 7 8। तो इस तीनों स्टेप्स को हम एक म्यूजिक पे इकट्ठे करते हैं, ठीक है, एक ही म्यूजिक पे तीनों स्टेप्स रेगुलर वे में। रेडी 5 6 7 8। तो जो अब हमने तीन डांस स्टेप्स किए हैं, तो ये बहुत ही कॉमन स्टेप्स हैं और आप किसी भी म्यूजिक पे आप इसको कर सकते हो, राइट। सो ये स्टेप्स आपने प्रैक्टिस करते रहनी और आपने रोज प्रैक्टिस करनी है। ये एक बारी में आने वाले नहीं है, आपको रोज 5 6 7 बारी प्रैक्टिस करोगे तभी आपके जो स्टेप्स हैं वो क्लीन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने रोज प्रैक्टिस करनी है तीन स्टेप्स की, ओके। सो कीप डांसिंग।